सुशासन दिवस के उपलक्ष में शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी विद्यालय श्योपुर परिसर में प्रातः 10 बजे से आयुष मेले का शुभारंभ श्योपुर कलेक्टर शिवम वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण कर जहां कार्यक्रम के भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जाट, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रेणु गर्ग, नगर पालिका उपाध्यक्ष संजय महाना, भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष सरोज तोमर, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष दिनेश दुबोलिया, जिला पंचायत सीईओ श्री गुर्जर, सीएमएचओ डॉक्टर बी एल यादव प्रमुख रूप से उपस्थित थे। वहीं मंचासीन अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया, जहां आयुष विभाग द्वारा आज स्वास्थ्य मेले में विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से लोगों ने आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक पद्धति का निःशुल्क उपचार की सुविधाओं का प्राप्त किया। वहीं स्थानीय स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का भी सीधा प्रसारण किया गया। स्वास्थ्य मेले में जिला आयुष अधिकारी श्योपुर डॉक्टर जीपी वर्मा ने बताया कि आयुष मेले में आयुर्वेदिक होम्योपैथिक निःशुल्क चिकित्सा परामर्श और दवा का वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही आयुष क्योर ऐप सेवा की जानकारी, सुपुष्टि योग वितरण, पंचकर्म विद्या की जानकारी, विभिन्न रोगों के लाभ देने के लिए योगाभ्यास का प्रदर्शन, औषधि पौधों की जानकारी भी यहां पर दी जा रही है। इसके साथ ही बीपी शुगर आदि की निःशुल्क जांच भी की गई है। वहीं स्वास्थ्य और आयुष विभाग के संयुक्त प्रयासों से ये मेले का यहाँ आयोजन किया गया। आज बड़ा अच्छा विषय भी है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और इसी के रूप में हम सुशासन दिवस को मना रहे हैं। आज इस सुशासन दिवस के उसमें आयुष्मान विभाग द्वारा जो एक प्रदर्शनी लगाई गई है और साथ ही साथ एक चिकित्सकों की जो अपने पास में टीम है के माध्यम से जो है विभिन्न प्रकार के परीक्षण किए जा रहे हैं और इस प्रकार का लगातार जो है प्रयास किया जाता रहा है और किया जाता रहना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे पहले प्रथम आवश्यकता मानी जाती है। और कोरोना काल में भी आयुष्मान विभाग द्वारा बहुत कुछ अपने आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक और यूनानी चिकित्सा के माध्यम से बहुत सारे जो है अपनी इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई और लोगों को उससे निरोगी बनाया। मैं आज ये कहना चाहूँगा कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार होता रहेगा तो निश्चित रूप से जो है ये अपने कार्य में सफल रहेंगे और व्यक्ति को एक स्वस्थ उसकी आवश्यकता रहती है जो है। और साथ ही साथ ऐसे भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि वार्ड वाइज भी कहीं इनका जो है पास में कैंप लगातार लगता रहे या फिर इस प्रकार से तो लोगों में जागरूकता आती रहेगी। इस प्रकार का मैं माननीय डॉक्टर साहब से और इनसे जो इसके मुखिया हैं उनसे इस प्रकार का अनुग्रह करूँगा।